सो हेलो प्रोग्रामर्स, वेलकम बैक इन अनदर वेबसाइट। आज की वेबसाइट में हम बनाने वाले हैं माय टू डू लिस्ट। तो ये एडवांस टू डू लिस्ट बनाया मैंने आपके लिए। इसमें मैंने डेट टाइम सारी चीजें ऐड की है, आप देख सकते हो यहाँ पर। जैसे कि मुझे ऐड करना है जस्ट कीप कोडिंग, एंड मुझे कब तक के करना है यहाँ पर हम ईयर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मुझे करना है 2050 तक, तो यहाँ पर मैं 2050 ऐड करूंगा, दिसंबर ऐड करूंगा। एंड देखो यहाँ पर ऐड हो गया। एंड मैं यहाँ पर टाइम भी ऐड कर सकता हूँ, एंड यहाँ पर एएम पीएम भी हम ऐड कर सकते हैं। एंड यहाँ पर मैंने ऐड पे क्लिक कर दिया, ऐड टास्क पे। यहाँ पर मैंने आइकन्स भी ऐड किए, देखो कितना प्यारा एनिमेशन हो रहा है इसके अंदर। एंड उसके बाद में जैसे कि मैंने कुछ ऐड किया एंड मैंने कुछ मिस कर दिया यहाँ पर, जैसे कि मैंने डेट वगैरह मिस कर दी, बस टाइम एंड मैंने ये सिलेक्ट कर लिया, डेट नहीं सिलेक्ट करी, तो ये वर्क नहीं करेगा। देखो सो आपको इसमें सारी चीजें ऐड करनी पड़ेगी, तभी ये ऐड होगा। देखो ऐड हो गया, एंड वर्क खत्म होने के बाद में आप यहाँ पर इसे कट भी कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो आपके लिस्ट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो प्लीज स्टार्ट करने से पहले प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले, जो नए व्यूवर्स हो और जिस किसी ने भी अभी तक के लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है, और अपने दोस्तों के साथ बिल्कुल शेयर करना इसे। और प्लीज एक लाइक, वन लाइक इजिकल टू मिलियंस लाइक हो सकते हैं कभी आप चाहे तो प्लीज लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ बिल्कुल शेयर करना। बहुत एडवांस टू डू लिस्ट बनाया है मैंने ये आपके लिए। तो जावा स्क्रिप्ट भी ऐड किया है इसके अंदर मैंने, और सी एस एस और एच टी एम एल भी ऐड किया है। तो बहुत अमेजिंग बनने वाला है हमारा टू डू लिस्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो लेट स्टार्ट द वीडियो। सो मैंने वीएस कोड ओपन कर लिया है, एंड सारी सारी फाइलें क्रिएट कर ली है, एंड बॉयलर प्लेट भी ऐड कर लिया है, एंड टाइटल भी ऐड कर लिया है। सबसे पहले हम फॉन्ट आइकन्स की लिंक ऐड कर लेते हैं हेड टैग के अंदर। तो आपको राइट करना है फॉन्ट ऑसम सीडीएन, क्लिक ऑन फर्स्ट लिंक, क्लिक ऑन एचटीएमएल टैग, यहाँ से कॉपी कर लेना। एंड यहाँ से भी आप कॉपी कर सकते हो, सिंपली यहाँ से कॉपी करके हेड टैग के अंदर इसे पेस्ट कर देना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, एंड मैं ये सारी चीजें हटा देता हूँ एंड साइड बाय साइड इसे ओपन कर लेते हैं। सबसे पहले कंटेनर बनाएंगे डिव डॉट कंटेनर। प्लीज ध्यान से देखना, आप इसे अपने रेज्यूमे में भी ऐड कर सकते हो। H1 टैग का यूज करेंगे, एंड उसके अंदर आइकन ऐड करेंगे टास्क। वापिस क्रोम पे जाना है, एंड अब आपको राइट करना है फॉन्ट ऑसम, क्लिक ऑन फर्स्ट लिंक, क्लिक ऑन आइकन्स एंड राइट टास्क। ये फर्स्ट वाले पे कॉपी कर लेना, ये प्रो वाले मत यूज करना, ये पैड वाले हैं, ये वर्क नहीं करेंगे, और इंटरनेट कनेक्शन ऑन रखना। ये हमारा ऐड हो गया आइकन, एंड उसके बाद में हम यहां पर राइट करेंगे माय टू डू लिस्ट। ये हो गया हमारा माय टू डू लिस्ट, एंड मैं इसे और थोड़ा साइड में कर लेता हूं। एंड देन इसके बाद हम एक और डिव डॉट टू डू कंटेनर क्रिएट करेंगे, एंड देन उसमें एक और डिव डॉट इनपुट ग्रुप क्लास देंगे। एंड के बाद में लेबल टैग का यूज करेंगे, फॉर में हम राइट करेंगे टास्क इनपुट। एंड उसके बाद में हम यहां पर एक आइकन ऐड करेंगे, मैं मैनुअली टाइप कर रहा हूं, अब वहां पर जाके नाम राइट कर लेना FAS, सॉरी क्लास यहां पर राइट करना पड़ेगा सबसे पहले, एंड FAS FA पेंसिल पेन सिल। देखो पेंसिल का आइकन वहां पर आ गया है, एंड यहाँ पे ALT, एंड यहां पर मैं राइट करूंगा टास्क। मुझे ये यहां पर राइट करना है लेबल के अंदर, ये हो गया यहां पर टास्क।
एंड में से थोड़ा सा और इधर कर लेता हूँ। अब लेवल के बाद में हम इनपुट टैग का यूज करेंगे एंड टाइप में टेक्स्ट की रहने देंगे एंड इसको आईडी देंगे टेक्स्ट इनपुट एंड प्लेस होल्डर में देंगे हम एड अ न्यू टास्क। सो ये हमारा यहीं पर ही क्लोज होता है। एक काम करता हूं, मैं इसे हटा ही लेता हूं, आपको फिर दिक्कत होगी, थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं। एंड देखो अब टू डू के अंदर ही, टू डू कंटेनर के अंदर ही डिव डॉट इनपुट ग्रुप क्लास दी हमने इसे एंड इसमें हम एक और लेबल टैग का यूज करेंगे एंड फॉर में देंगे हम इसमें डेटा इनपुट एंड यहां पर एक और आइकन का यूज करेंगे क्लास FAS FA कैलेंडर, यहां पर ऐड करेंगे FA कैलेंडर एंड यहां पर अल्ट एंड यहां पर लेबल के अंदर हम यहां पर डेट राइट कर देंगे। समझ में आया आप सभी को? उसी के नीचे इनपुट टैग का यूज करेंगे, टाइप में हम डेटा ऐड करेंगे एंड इससे आईडी देंगे हम डेटा इनपुट। समझ में आ गए? लाइव सर्वर से लाइव देख लेते। देखो ये आ गया हमारा कैलेंडर एंड यहां पर कैलेंडर का आइकन भी ऐड हो गया है। आप इसी तरह मैनुअली भी आइकन ऐड कर सकते हो एंड डायरेक्ट यहां से कभी आपको कैलेंडर राइट कर लेना वहां पर, जैसे मैंने आपको बताया था। अब देखो अब एक और इसे ही कॉपी कर लेना एंड यहां पर पेस्ट। अब डेट की जगह आ जाएगा हमारा टाइम एंड यहां पर आ जाएगा हमारा क्लॉक, इसे हम हटा देंगे एंड डेट की जगह आ जाएगा हमारा टाइम, यहां पर भी टाइम ऐड कर लेंगे एंड टाइप में भी हम टाइम ऐड करेंगे। समझ में आ गया? अब इसी के अंदर सिलेक्ट टैग का यूज करेंगे एंड इसे नेम नहीं देंगे हम, इसे देंगे आईडी। आईडी क्या देंगे इसे? ए एम पी एम एंड इनपुट। समझ में आ रहा है आप सभी को? एंड इसके बाद पे और प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे बताया करो वीडियो कैसी बनी है, किस तरह से बनी है, मैं आप और अपडेट करूंगा एंड जो प्रोजेक्ट आपको चाहिए मैं हम वो भी ऐड करेंगे इसके अंदर। लेबल टैग का यूज करेंगे एंड सॉरी लेबल टैग का नहीं यूज करेंगे, इसमें हम ऑप्शन का यूज करेंगे और वैल्यू में ऐड करेंगे ए एम एंड यहां पर भी ए एम एंड यहां पर ऑप्शन एक और ऐड करेंगे वैल्यू में पी एम एंड यहां पर भी पी एम। समझ में आ गया आप सभी को? तो ये भी हमारे यहीं पर ही क्लोज होता है। लाइव सर्वर से लाइव देख लेते हैं। ये रहा हमारा टाइम ए एम पी एम। अब देखो ये हो गया हमारा टू डू कंप्लीट, टू डू कंटेनर कंप्लीट हो गया है एंड कंटेनर के अंदर, ये कंटेनर के अंदर हम यहां पर बी यू डबल टी बटन आईडी देंगे इसे एड टास्क बी यू डबल टी बटन एंड यहां पर क्लास एफ ए एस एफ ए प्लस आइकन ऐड कर रहा हूं मैं यहां पर एंड यहां पर मैं एड टास्क। समझ में आ गया सभी को? एंड एक काम करते हैं, इसे भी हम टू डू कंटेनर में ही डाल देते हैं, इसे भी टू डू कंटेनर में डाल देना एंड
कंटेनर के अंदर, और ऑर्डर लिस्ट का यूज करेंगे, क्लास देंगे इसे टास्क लिस्ट, जो हम लिस्ट ऐड करेंगे ना वहां पर, तो ये लिस्ट यहाँ पर ऐड होगी इसके अंदर, समझ में आ गया। इसे आप कंटेनर में रखना एंड इसे हम टू डू कंटेनर में रखेंगे। ये रहा हमारा टू डू कंटेनर एंड ये रहा हमारा कंटेनर। तो आई होप आपका HTML क्रिएट हो गया होगा अच्छे से, देखो समझ में आ रहा है। अब चलिए इसे CSS देते, तो लेट स्टार्ट द CSS। CSS लिंक ऐड कर लेते हैं। एंड जिस नेम से आपने फाइल बनाई है वही नाम यहाँ पर राइट करना। यहाँ पर देखो एस का 20 हो रहा है, तो ये स्टाइल जावास्क्रिप्ट ऐड कर लेते हैं जस्ट ऊपर। चलिए सब CSS देते। सबसे पहले हम यहाँ पर गूगल फॉन्ट ऐड कर लेते हैं। राइट करना है आपको गूगल फॉन्ट्स, क्लिक ऑन फर्स्ट लिंक एंड आपको जिस तरह से भी पसंद आ रहा है आप वहां पर क्लिक कर सकते हो। मैं फर्स्ट वाला यूज कर रहा हूँ। गेट एम्बेड, गेट फॉन्ट, गेट एम्बेड कोड एंड इंपोर्ट पे क्लिक करना है। यहाँ से इंपोर्ट कॉपी कर लेना है एंड इसको यहाँ पर पेस्ट कर देना है हमारे CSS में जस्ट टॉप पे, समझ में आ रहा है। यहाँ पर इसे पेस्ट कर देना है एंड जो आपने फॉन्ट पसंद किया है उसका यहाँ से नेम कॉपी कर लेना है एंड यहाँ से हम इसे कट कर देंगे। तो चलिए अब CSS स्टार्ट करते हैं। मैं साइड बाय साइड ओपन कर लेता हूँ। सबसे पहले बॉडी टैग को टारगेट करते हुए फॉन्ट फैमिली, जो आपने फॉन्ट फैमिली कॉपी की थी यहाँ पर उसे पेस्ट कर देना है। देखो फॉन्ट फैमिली चेंज हो गई, मैं थोड़ा साइड में कर लेता हूँ इसे। अब हम इसको बैकग्राउंड कलर देंगे F0, F2, F5 एंड देन डिस्प्ले करेंगे इसका फ्लैक्स। जस्टिफाई कंटेंट करेंगे सेंटर, अलाइन आइटम करेंगे इसका सेंटर एंड हाइट करेंगे 100 VH एंड मार्जिन 0। अब हम टारगेट करेंगे सीधे कंटेनर। तो ये रहा हमारा कंटेनर, मेन कंटेनर जिसमें सारे हमारे एलिमेंट्स है। CSS दी थी तो इसलिए यहाँ पर हम डॉट का यूज करेंगे। बैकग्राउंड कलर देंगे इसको हम FFF एंड पैडिंग ऐड करेंगे इसमें। ये हो गई हमारी ऑल अराउंड से, बट लेफ्ट राइट से दी हमने 20 पिक्सल हमारी लेफ्ट राइट से एंड ये टॉप बॉटम से एंड बॉर्डर रेडियस 15 पिक्सल एंड इसमें बॉक्स शेडो ऐड करेंगे 0, 10 पिक्सल, 30 पिक्सल ब्लैक। यहां से आप कस्टमाइज कर लेना। एंड उसके बाद में विड्थ ऐड करेंगे इसमें 100% एंड मैक्स विड्थ 600 पिक्सल। देखो कितना प्यारा लग रहा है अभी हमारा। अब चलिए हम CSS देते H1 टैग, तो यहां से कॉपी कर लेना H1 टैग एंड यहां पर पेस्ट कर लेना। पूरे HTML में सिर्फ एक ही H1 है इसलिए हम इसको डायरेक्ट CSS दे रहे। अलाइन आइटम करेंगे इनका सेंटर, मार्जिन देंगे बॉटम से 20 पिक्सल एंड फॉन्ट वेट करेंगे इसका 700 एंड कलर #333 ब्लैक भी कर सकते हो, आपको कभी चेंज करना है तो कलर। अब हम डायरेक्ट करेंगे हमारे टू डू कंटेनर, यहां से कॉपी कर लेना हमारे टू डू को एंड यहां पर हम टू डू को पेस्ट कर देंगे। अब डिस्प्ले करते हैं इसका फ्लैक्स एंड फ्लैक्स डायरेक्शन करते हैं इसका कॉलम एंड गैप करते 15 पिक्सल एंड मार्जिन देते बॉटम से 20 पिक्सल। अब मैं टारगेट करूंगा हमारे
इनपुट ग्रुप, ये सारे इनपुट ग्रुप को टारगेट होगा। यहां से कॉपी एंड देन डॉट लगा के पेस्ट करेंगे क्लास के लिए। डिस्प्ले इसका भी फ्लेक्स करेंगे, अलाइन आइटम करेंगे सेंटर एंड इसमें भी गैप ऐड करेंगे 10 पिक्सल का। अब हम टारगेट करेंगे हमारे इनपुट ग्रुप लेबल, ये लेबल्स सारे इनपुट ग्रुप लेबल्स को टारगेट होगा साथ में। तो यहां से हम इसे कॉपी कर लेंगे एंड पेस्ट और यहां पर लेबल राइट कर लेना। हम लेबल को टारगेट कर रहे हैं मीन विड्थ 60 पिक्सल कर देंगे। डिस्प्ले करेंगे फ्लैक्स, अलाइन आइटम सेंटर, फॉन्ट वेट करेंगे इसका 700। अब हम इनपुट ग्रुप के सिलेक्ट एंड इनपुट दोनों को साथ में क्लास देंगे, तो सॉरी सीएसएस देंगे। इनपुट कॉमा लगाएंगे एंड यहां मैं पेस्ट करूंगा एंड यहां पर राइट करूंगा सिलेक्ट एंड हम दोनों को साथ में सीएसएस दे रहे, फ्लैक्स कर देता हूं उसका मैं। सॉरी यहां पर डॉट नहीं लगाना था, फ्लैक्स 1 एंड पैडिंग ऐड करूंगा 10 पिक्सल ऑल अराउंड, बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड, हैश डीडीटी बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल, फॉन्ट साइज 16 पिक्सल। अब हम टारगेट करेंगे हमारे टास्क बटन, इसे जिसे हमने आईडी दी, तो हम आईडी के लिए क्या यूज करते हैं, हैश का। यहां पर हम हैश का यूज करेंगे, बैकग्राउंड कलर देंगे इसे हैश 28A745। समझ में आ गया सभी को? एंड इसको कलर देंगे हम व्हाइट एंड बॉर्डर करेंगे इसकी नन एंड पैडिंग ऐड करेंगे इसमें सेम 10 पिक्सल 15 पिक्सल, बॉर्डर रेडियस ऐड करेंगे इसमें 10 पिक्सल की, कर्सर पॉइंटर रखेंगे हम इसका, फॉन्ट साइज करेंगे इसका हम 18 पिक्सल, डिस्प्ले करेंगे इसका फ्लैक्स, अलाइन आइटम सेंटर एंड गैप करेंगे 5 पिक्सल एंड जस्टिफाइड कंटेंट करेंगे सेंटर, ट्रांजिशन ऐड करेंगे स्मूथ के लिए, ट्रांसफॉर्म पे 0.3s। देख सकते हो कितना प्यारा है। अब हम इसके अंदर ट्रांसफॉर्म ऐड करेंगे, तो हैश ऐड इसको ऊपर से कॉपी कर लेता हूं एंड मैं यहां पर इसे पेस्ट करूंगा एंड मैं इसमें होवर प्रॉपर्टी ऐड करूंगा, जैसे ही मैं बटन होवर करूंगा तो ट्रांसफॉर्म होगा, स्केल 1.1। देखो हो रहा है, इसलिए मैंने स्मूथनेस यहां पर ऐड करी, कभी मैं इसे हटा दूं तो फास्ट होगा, देखो कितना फास्ट हो रहा है, देखो अब कितना स्मूथ हो रहा है। तो इसी तरह से हम ट्रांजिशन का यूज करते हैं। यहां तक के सबका क्लियर है, हमारा रेडी है माय टू डू लिस्ट, इसमें हम अब जावास्क्रिप्ट ऐड करेंगे। अब हम इसमें थोड़ी सी ऐसे जावास्क्रिप्ट की मदद से भी देंगे, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक काम कर लेते हैं, इसके अंदर थोड़ी सी सीएसएस और ऐड कर लेते हैं। सो सबसे पहले हम टारगेट करेंगे इनपुट ग्रुप नी इनपुट टैग एंड उसके अंदर जो टाइप रहते हैं, जैसे कि ये देखो ये टाइप है ना, टाइम, सारे इनपुट टैग पे डेट टेक्स्ट, इसे हम सीएसएस दे देते हैं। मैं यहीं से कॉपी कर लेता हूं एंड मैं इसको यहां पर पेस्ट कर देता हूं एंड यहां पर हम यूज करेंगे फोकस का। आपने सीएसएस में पढ़ाई होगा फोकस के बारे में,
एंड मैं इसे सिंपली कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि मुझे हर इसके लिए यूज करना है। एंड यहाँ पर मैं राइट करूंगा डेट, डेट के लिए, एंड मैं यहाँ पर टाइम का यूज करूंगा टाइप में, एंड सिलेक्ट जो हमने सिलेक्ट बनाया था ये सिलेक्ट, एंड इसमें फोकस ऐड करेंगे, बॉर्डर कलर एश 2, 4, 5, एंड बॉक्स शेडो ऐड करेंगे इसके अंदर भी 0, 0, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल 10 पिक्सल, ब्लर रेडियस ब्लैक, यहां से कस्टमाइज कर लेना। ये हो गया हमारा, अभी जावास्क्रिप्ट में से वर्क करेगा, अभी वर्क नहीं करेगा, हम डायरेक्ट इसको दे रहे हैं, आप देंगे हम लेबल टैग के आई को, हम लेबल टैग का है हमारा ये लेबल टैग एंड ये आई आइकन, मतलब सारे इस चीज को वर्क होगा ये उसी के साथ पे। एक और को सीएसएस दे रहे हैं हम H1 टैग को भी, H1 टैग के आइकन को, समझ में आ गया, ये आइकन दोनों को साथ में सीएसएस दे रहे हैं, ध्यान से देखना, टेक्स्ट कलर हैश, ये देखो आ गए आइकन्स पे सारे। एंड इसमें ट्रांजिशन ऐड कर रहा हूं, ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्म पे ट्रांसफॉर्म 0.3s स्मूथ के लिए। अब जैसे ही मैं इसे कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पर इसे पेस्ट करते हैं, एंड इसमें होवर प्रॉपर्टी ऐड करते हैं, एंड इसमें भी होवर प्रॉपर्टी, ऐड करते हैं, ट्रांसफॉर्म रोटेट 360 डिग्री। जैसे ही मैं इसमें होवर करूं, देखो 360 रोटेट हो रहा है, अब इसमें CSS ऐड करेंगे, बट बाद में, पहले JavaScript ऐड कर लेते हैं फटाफट। JavaScript यहाँ पर ऐड कर लेना, एंड यहाँ पर ID कर लेना क्लास की जगह टास्क लिस्ट में, एंड यहाँ पर JavaScript ऐड कर लेना, फाइल भी ऐड कर लेना, मैं इसको यहाँ से हटा रहा हूँ, एंड CSS को भी इसको यहाँ पर रखते हैं। अब देखो सबसे पहले डॉक्यूमेंट कैट एलिमेंट बाय आईडी, इसको थोड़ा सा साइड में कर लेते हैं। अब यहां पर हम ऐड टास्क बटन ऐड करेंगे, अब हमने बनाया था ना ऐड टास्क बटन, इस पे क्लिक करने पे जो भी वर्क होगा इसी पे क्लिक करने पर होगा, मतलब ऐड टास्क बटन मतलब ये, समझ में आ गया, जैसे इस पे क्लिक करूंगा सारी चीजें वर्क करेगी। तो हमने इसे आईडी दी थी, सो हम इसे आईडी से गेट करेंगे, यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया है, एंड इसे थोड़ा साइड में कर लेते हैं, और एंड यहाँ पर ऐड इवेंट लिस्ट मैं इसे हटा ही देता हूँ, एंड यहाँ पर हम क्लिक इवेंट फंक्शन का यूज करेंगे, फंक्शन ऐड करेंगे, देखो क्लियर है सभी को, यहाँ से कर्ली ब्रेसेस हुआ, एंड यहाँ पर हम सेमी कॉलन लगाना मत भूलना, इतना सभी को क्लियर है। ये चीज क्या हुई यहाँ पर, डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट बाय आईडी बटन को यहाँ पर हमने एक्सेस किया, जैसे हम उस पर क्लिक इवेंट फंक्शन करेंगे तो इसके अंदर की जो सारी चीजें रहेगी वो वर्क करेगी। सबसे पहले कॉन्स्ट वेरिएबल क्रिएट करते हैं, यहाँ पर एक वेरिएबल क्रिएट करते टास्क इनपुट, एंड उससे भी डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। अब देखो यहां पर सेमी कॉलन लगा लेना, इसको कॉपी करके 1, 2, 3, 4 बार इसे पेस्ट कर देना। अब जाते हैं हम HTML के अंदर, सबसे पहले हम इनपुट टास्क इनपुट, वेर इज टास्क इनपुट, ये रहा हमारा टास्क इनपुट जहां पर हम टास्क इनपुट करेंगे, समझ में आ गया ना, यहां पर ही इनपुट करेंगे ना हमारा टास्क,
और यहाँ पर इसे पेस्ट कर देना, क्योंकि हमने इसे आईडी दी थी यहाँ पर, इसलिए हम डॉट नहीं यूज कर रहे। उसके बाद में डेट इनपुट, डेट इनपुट आईडी, ये रही हमारी डेट इनपुट आईडी, यहाँ से कॉपी करके सिंपली यहाँ पर पेस्ट करना है। अब यहाँ पर राइट करना है आपको डेट इनपुट, समझ में आ गया? जल्दीबाजी मत करना, ये तो आप फिर कमेंट सेक्शन में बोलते हो सर कुछ वर्क नहीं कर रहा है। डेट इनपुट हो गया, अब टाइम इनपुट, यहां से कॉपी यहां पर पेस्ट, टाइम इनपुट एंड टाइम इनपुट के बाद में एम पी एम, ये रहा हमारा ए एम पी एम, यहां से इसे भी इसे भी आईडी दी थी तो यहां पर इसे पेस्ट। यहां पर हम राइट करेंगे ए एम पी एम इनपुट, बहुत धीरे धीरे बना रहा हूं मैं, आप सभी को समझ में आए। ये सारी चीजें ऐड कर ली गेट एलिमेंट बाय आईडी, क्योंकि हमने इससे सारे को आईडी दी थी। अब कॉन्स्ट टेक्स्ट, ये मैं डायरेक्ट बना रहा हूं टास्क इनपुट, जो हमने ऊपर बनाया था टास्क इनपुट, इसे मैंने यहां पर ऐड किया। अब इसमें वैल्यू ऐड करेंगे डॉट। अब देखो हमारा थोड़ा सा ये वीएस कोड ज्यादा ही एडवांस है, इसलिए ये खुद भी खुद वर्क करता है। वैल्यू दबा के स्पेस दबा देना, उसके बाद में यहां डॉट लगाना, फिर स्पेस दबा देना एंड यहां पर राइट करना ट्रिम। ट्रिम मैंने क्यों किया इसे, क्योंकि हम कुछ भी स्पेस वगैरह करेंगे तो यहां से ट्रिम हो जाएगी, स्पेस वगैरह ट्रिम हो जाएगी, समझ में आ गया? एंड वापिस से कॉपी करके चार बार पेस्ट कर लेना है। यहां पर राइट करना है टास्क डेट एंड यहां पर हमने जो वेरिएबल क्रिएट किया था यहां पर टास्क डेट इनपुट एंड यहां पर से ट्रिम हटा लेना है बस वैल्यू, एंड यहां पर भी वैल्यू ही आएगा एंड यहां पर हम ऐड करेंगे टास्क टाइम। ये एक और वेरिएबल क्रिएट हो रहा है न्यू वाले और इसकी सारी वैल्यू इसमें ऐड हो गई है, इसी के अंदर इसकी सारी वैल्यू टास्क इनपुट। सॉरी यहां पर आएगा टाइम इनपुट एंड यहां पर भी हम टास्क टाइम लिख दिया एंड यहां पर हम लिखेंगे टास्क ए एम ए एम ई एम एंड यहां पर हमने जो वेरिएबल क्रिएट किया था ये यहां पर आ जाएगा ए एम पी एम ए एम पी एम इनपुट वैल्यू। अब देखो इसकी जो सारी वैल्यू थी ना, ये पहले इसके अंदर थी, हमने यहां पर वैल्यू ऐड कर दी एंड ये सारी वैल्यू अब इसके अंदर ऐड हो गई है, समझ में आ गया आप सभी को? एंड इफ टास्क टेक्स्ट, जो हमारा टास्क टेक्स्ट एंड टास्क डेट एंड टास्क टाइम, समझ में आ गया? तीनों चीजें ऐड है, यहां से कर्ली ब्रेसेस ओपन करते हैं। कॉन्स्ट टास्क लिस्ट डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। अब हमने टास्क लिस्ट बनाया था लास्ट में, तो इसे कॉपी कर लेना है, यहां पर पेस्ट कर देना एंड इसी तरह कॉन्स्ट न्यू टास्क जैसे भी डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय क्रिएट, क्रिएट एलिमेंट, ये एलिमेंट क्रिएट करेगा तो हम उसके लिए यूज करेंगे li का, li के अंदर सारे एलिमेंट यूज होंगे। मैंने बोला था ना मैं इसके अंदर भी थोड़ी css ऐड करूंगा। क्रिएट एलिमेंट किसके द्वारा हो गए, li के अंदर, मतलब डॉट होता ना हमारा उसके अंदर। अभी हमारे दो न्यू वेरिएबल क्रिएट हो गए, ये काय में वर्क करेंगे इफ में। अब देखो न्यू टास्क डॉट इनर html, अब देखो मैं यहां पर यूज करूंगा बैक टिक,
बैकटिक देखना मेरा बैकटिक किधर जा रहा है। उसके बाद इसमें मैं डीव डॉट एक काम करता हूँ, इससे इससे ओपन करते हैं, यहां पर मैं राइट करता हूँ डीव क्लास डॉक्स इन्फो। मैं यहां पर HTML लिख रहा हूं, हम यहां पर HTML लिख सकते हैं। इस तरह के प्रोजेक्ट बनाओगे तो ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा इंटरव्यूअर्स को, ये एडवांस इसको बहुत कुछ आता है, तो इस तरह के प्रोजेक्ट आपको बनाना है, क्योंकि हम वहां पर तो डायरेक्ट हमारा स्टार्ट हो जाता है एमिट एब्रीविएशन की तरह, तो हम यहां पर इसे वो देंगे। अब हम यूज करेंगे स्पैन टैग का, स्पैन। अब यहां पर भी हम आई क्लास देंगे इसे, देखो यहां पर डायरेक्ट वर्क करना पड़ रहा है, यहां पर कोई एमिट एब्रीविएशन काम नहीं कर रहा है। अब यहां पर हम आइकन ऐड करेंगे FAS FA टास्क, एंड ये हमारा क्लास बन, ये एरो बन आइकन का, एंड उसके बाद में ये आइकन का बन, आइकन का क्लोज हो गया। एंड अब हम इसमें डॉलर का साइन लगाएंगे, कर्ली ब्रेसेस ओपन करेंगे, यहां पर लिखेंगे टास्क टेक्स्ट, एंड इस यहां पर ये स्पैन भी हमारा बन। समझ में आ गया बैकटिक के अंदर। अब इसी तरह से कॉपी कर लेना, तीन बार इसे पेस्ट कर लेना, बार बार यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब टास्क की जगह हम राइट करेंगे कैलेंडर। देखो कभी आपको गलती नहीं करना है ना, यहां से HTML के अंदर जाना। अब ये हमने यहां से टेक्स्ट, ये रहा हमारा कैलेंडर का आइकन, तो हम यहां से इसे कॉपी कर लेंगे आइकन तक के, और मैं इसे यहां पर पेस्ट कर दूंगा यहां से लेकर आइकन तक। समझ में आ गया आप सभी को, FAS FA कैलेंडर अल्ट, एंड यहां पर मैं टास्क डेट, ये भी स्पैन के अंदर ही बंद होगा। हाँ अब यहां पर क्लॉक का चाहिए मुझे, तो मैं क्लॉक में जाऊंगा, यहां से आइकन कॉपी कर लूंगा, आप मैनुअली भी टाइप कर सकते हो और इसे कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो। हाँ ये मैंने क्लॉक का कर लिया। अब टास्क में क्या रखूंगा, टाइम, ये हो गया हमारा टाइम। अब इसमें मैं दो चीज ऐड करूंगा, इसमें मैं ना AM PM भी ऐड कर दूंगा, तो डॉलर का यूज करेंगे, कर्ली ब्रेसेस का यूज करेंगे, एंड मैं यहाँ पर टास्क AM PM ये भी मैंने इसमें ऐड कर दिया। समझ में आ गया आप सभी को, एंड हमारा डीव यहीं पर ही क्लोज होता है। ये हो गया हमारा डीव क्लोज इनर HTML के अंदर। समझ में आ गया आप सभी को। अब इसी बैकटिक के अंदर हाँ एक और डीव क्रिएट करेंगे हम। समझ में आ गया डीव, एंड इसके अंदर हम क्लास देंगे टास्क एक्शन, एंड ये क्लोज, एंड हम इसको यहां से थोड़ा सा गैप कर देते हैं, एंड उसी के बाद में हम यहां पर BU बटन टैग का यूज करेंगे, एंड यहां पर क्लास देंगे इसे डिलीट बटन BUTT ओपन बटन, एंड यहां पर हम डिलीट का आइकन ऐड करेंगे, तो हम यहां पर बटन बंद कर देंगे, एंड एक और आई का यूज करेंगे, क्लास देंगे FA SFA ट्रैश। आप वहां जाके ट्रैश राइट कर सकते हो, वो आपका आइकन प्रोवाइड करवा देंगे, जैसे मैंने आपको फॉन्ट ऑप्शन पे जाना है, आइकन पे क्लिक करना है, एंड ये हमारा क्लोज होता है आइकन यहीं पर ही, एंड बटन भी। ध्यान से बनाना एकदम प्रॉपर तरीके से, BU और सॉरी TP हमारे क्लोज होता है यहीं पर ही।
अब यहां पर हम ये ऐड कर देंगे, समझ में आ गया, बैकटिक इनर एचटीएमएल के अंदर सारी चीजें ऐड कर दिए। तो मैं थोड़ा सा साइड में कर लेता हूं। टीव क्लोज वगैरह एंड देन उसी के बाद में यहां पर टास्क लिस्ट में हम ऐड करेंगे अपेंड चाइल्ड एंड यहां पर क्रिएट करेंगे न्यू टास्क जो हमने ऊपर क्रिएट किया था एंड कॉन्स्ट डिलीट एक और डिलीट बटन बटन इसमें डिलीट बटन ऐड कर रहे हैं हम न्यू टास्क डॉट क्वेरी सेलेक्टर डिलीट बी यू डबल डी ओ एन बटन। अभी इस पे ध्यान मत दो, मैं आपको समझा दूंगा। एंड देन डिलीट बटन एड इवेंट लिस्टर जो हमने ऊपर डिलीट की बटन बनाया ना इसे हमने यहां पर ऐड किया, यहां से कॉपी करके यहां पर पेस्ट कर दिया। अब यहां पर हमने CSS यूज करी, इसमें डॉट लगाया, कॉन्स डिलीट बटन टास्क अपेंड चाइल्ड न्यू टास्क यहां पर एंड कॉन्स डिलीट बटन न्यू टास्क एंड यहां से मैंने इसको गेट किया, ये जो है ना यहीं पर ही इसको मैंने यहां पर गेट किया, समझ में आ गया ना। और ये इसे मैंने यहां पर क्लिक किया डिलीट बटन एड इवेंट लिस्टर। आप चिंता मत करो, मैं आपको लास्ट में भी ठीक से जावास्क्रिप्ट समझा दूंगा। डिलीट बटन एड इवेंट लिस्टर एंड उसके बाद में हम यहां पर ऐड करेंगे क्लिक इवेंट, क्लिक फंक्शन एंड यहां पर टास्क लिस्ट एड रिमूव चाइल्ड न्यू टास्क एंड में यहां पर सेमीकोलन लगाना मत भूलना एंड जो हमारा टास्क इनपुट वगैरह क्रिएट किया था हमने टास्क इनपुट में वैल्यू के अंदर स्ट्रिंग पास होगी एंड डेट इनपुट में भी सेम, यहां से मैं इसे कॉपी कर लेता हूं एंड सिंपली मुझे यहां पर राइट करना है डेट इनपुट एंड यहां पर राइट करना है टाइम इनपुट तो हमारा सारा चीजें क्लियर है। ये भी क्लियर है हमारा क्लास इन्फो वगैरह एक्शन स्पैन टैग भी बंद है। यहां पर लाइन क्यों नहीं आ रही है, एव डॉट क्लास भी क्लियर है। तो ये रहा हमारा HTML और सॉरी JavaScript भी। अब देखते हैं वर्क कर रहा कि नहीं हमारा, यहां से टाइम ऐड करते हैं। देखो हो गया वर्क कर रहा है हमारा, ये देखो ऐड हो गया टू डू लिस्ट एंड ये हमारा डिलीट करने का ऑप्शन। अब मैं आपको जावास्क्रिप्ट समझा देता हूं, इसको मैं साइड बाय साइड ओपन करता हूं। अब देखो ये इतना तो समझ में आ गया होगा आप सभी को, ये ऐड किया हमने जो है ना, ये जो सारी चीजें ऐड करी है, एक मिनट में इसको है ना ऐसा कर लेते, आपको ये यारी चीज तो समझ में आई गई होगी। फर्स्ट वाली लाइन समझ में आ गई आप सभी को, डॉक्यूमेंट डॉट एड इवेंट लिस्टनर ऐड किया मैंने इसके अंदर एड टास्क बटन, ये रहा हमारा एड टास्क बटन। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा तो सारी अंदर की जो चीजें यहाँ पर रेंडर होगी आप सबको यहाँ पर दिखेगी। यहां से हमने गेट एलिमेंट बाय आईडी से
सारे जो HTML के जो ID थी, जिसको हमने ID दी थी, जो उसको हमें JavaScript में एक्सेस करना था, उसे यहाँ पर वेरिएबल में मैंने स्टोर कर लिया है। इतना समझ में आ गया। इसमें मैंने ट्रिम ऐड किया है, मतलब जैसे कि टास्क टैग्स, मतलब यहाँ पर कभी मैं कुछ स्पेस वगैरह भी देता हूँ तो ये ट्रिम हो जाएगी इसकी स्पेस। समझ में आ गया। एंड उसके बाद में ये देखो, कॉन्स्ट टास्क स्टेट, डेटा इनपुट करने के लिए मैंने यहाँ पर वैल्यू ऐड किए सारे के। अब सारी चीजें जो वैल्यू ऐड होगी ये इसके अंदर ऐड हो जाएंगी, ये वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी जो हमने यहाँ पर वेरिएबल क्रिएट किए। अब इफ टास्क, यहाँ तीनों चीज को, इसमें से सारी चीजें ट्रू होनी चाहिए तभी ये वर्क करेगा। हाँ, जैसे कि देखो, ट्रू के लिए मतलब कैसा, ये ऐड किया, इसमें मैंने टाइम वगैरह कैलेंडर से, ये देखो उसमें टाइम डेट सारी चीजें ऐड करी, एंड मैंने टाइम छोड़ दिया, मतलब जैसे कि ये चीजें टैक्स ऐड किया, डेट ऐड करी, ये मैंने छोड़ दिया, तो देखो ये वर्क नहीं करेगा। समझ में आ गया। एंड ऑपरेटर के लिए आप तो सभी को पता है सारी चीजें ट्रू होनी चाहिए तभी वर्क करता है, तो मैं इसको यहां से ट्रू करता हूँ, यहां से मैंने ट्रू कर दिया, एंड देखो वर्क कर रहा है, ऐड हो गया यहाँ पर। अब देखो कॉन्स्ट टास्क लिस्ट, अब टास्क लिस्ट में क्या ऐड होगा हमारा, गेट एलिमेंट बाय आईडी से, जिसको मैंने यहाँ पर आईडी दी थी, ये इसको मैंने यहाँ पर ऐड किया, इसको थोड़ा सा और जूम आउट कर लेता हूँ। हाँ, यहाँ पर मैंने ऐड किया, एंड कॉन्स्ट न्यू टास्क क्रिएट किया, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट LI, देखो यहाँ पर LI का यूज हो रहा है। एंड न्यू टास्क में इसके अंदर सारी चीजें आएगी। अब इनर HTML ऐड किया मैंने इसके अंदर, div, ये हमने सारी चीजें ऐड करी, या आप वहां जाके आइकन्स ऐड कर सकते हो, वहां से यहाँ कॉपी पेस्ट कर सकते हो। एंड बैकटिक के अंदर मैंने HTML क्लोज कर दी। टास्क लिस्ट एड अपेंड चाइल्ड न्यू टास्क, ये यहाँ पर मैंने क्रिएट किया। कॉन्स्ट डिलीट बटन, अब यहाँ पर मैंने डिलीट बटन भी ऐड किया, देखो दिख रहा है सभी को। अब डिलीट बटन कहाँ से आया, ये देखो ये रहा हमारा डिलीट बटन, वहां जाके आप इसे कॉपी करके फॉन्ट ऑप्शन में जाके आइकन्स पे क्लिक करके वहां सर्च में ट्रैश टाइप कर देना, वो आपको ये आइकन प्रोवाइड करवा देगा, और वहां से आपको कॉपी कर लेना है, बटन टैग के अंदर पेस्ट कर देना है, एंड आप मैनुअली भी टाइप कर सकते हो। ये हमने न्यू डिलीट बटन यहाँ पर गेट क्वेरी सिलेक्टर से सिलेक्ट किया। क्वेरी सिलेक्टर हमने क्यों यूज किया, क्योंकि हमने इसे क्लास दी थी, एंड यहाँ पर डॉट का रिप्रेजेंट भी हमने इसलिए किया क्योंकि हमने इसे क्लास दी थी। डिलीट बटन एड इवेंट लिस्टनर, जैसे मैं इसमें एड इवेंट लिस्टनर क्रिएट किया, एड इवेंट लिस्टनर क्लिक फंक्शन बनाया, एंड टास्क लिस्ट रिमूव, मतलब यहाँ से कभी मैं डिलीट करूंगा तो रिमूव हो जाएंगे। समझ में आ गया आप सभी को। एंड हमारी जो सारी वैल्यू जो होगी, जो हम यहाँ पर वैल्यू देंगे, वो सारी इसके अंदर स्टोर होके प्रिंट हो जाएगी यहाँ पर। जैसे कि ये वैल्यू दी मैंने इसमें सारी, एंड मैं यहाँ पर भी देखो सारी वैल्यू दे दी मैंने इसके अंदर, एंड जैसे ही मैं ऐड करूंगा सारी वैल्यू यहाँ पर प्रिंट होगी। समझ में आ गया। टाइम टैक्स, टाइम टैक्स की जगह पे टैक्स, डेट की जगह पे डेट, टाइम की जगह पे टाइम। अब हमें इसे CSS देना है, इसे ये हमारा टाइम, इसको CSS देना है। तो चलते हैं हमारे CSS में, मैं इसे साइड बाय साइड यहाँ से क्लोज कर लेता हूँ, एंड थोड़ा जूम आउट कर लेता हूँ। सबसे पहले हम क्लास टास्क लिस्ट मतलब इसे जो लास्ट में हमने क्रिएट किया था ना HTML के अंदर, ये दोनों को साथ में रख लेते हैं। देखो कहाँ है हमारा टास्क लिस्ट, इसे CSS दूंगा, यहां से कॉपी कर लेते हैं, एंड यहाँ पर हैश का यूज करें क्योंकि हमने इसे आईडी दी थी। अब देखो सबसे पहले लिस्ट स्टाइल करते हैं इसका, नन। देखो यहां से लिस्ट स्टाइल की खत चली गई, अब आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। अब इसमें पैडिंग ऐड करते हैं, हम जीरो पैडिंग करते हैं इसकी, देखो जीरो हो गई पैडिंग। प्लीज अब तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर ही देना, बहुत मेहनत लगती है समझाने में और समझने में। बैकग्राउंड कलर ऐड करते हैं LI के अंदर, बैकग्राउंड देंगे इसे हैश EEE। अब देखो जावास्क्रिप्ट में जाना है, हमने किसको करा, LI को, ये हमारा देखो, इसे मैंने CSS दिए, पैडिंग ऐड करेंगे इसके अंदर 10 पिक्सल, 15 पिक्सल,
एंड बॉर्डर ऐड करेंगे, बॉर्डर रेडियस ऐड करेंगे इसके अंदर 10 पिक्सल, एंड मार्जिन ऐड करूंगा बॉटम से 10 पिक्सल। देखो दिख रहा है ना, आप वहां पर ध्यान दो, साइड में डिस्प्ले हम इसका फ्लेक्स करेंगे लेफ्ट में फ्लो करवाने के लिए। जस्टिफाई कंटेंट करेंगे सेंटर, अलाइन आइटम करेंगे इसका सेंटर, एंड इसमें ट्रांजिशन ऐड करेंगे स्मूथनेस के लिए टाइप है बैकग्राउंड 0.ts। अब हम टारगेट करेंगे हमारे, जैसे मैं इस पे होवर करूंगा, किस पे, हमारे हैश टास्क लिस्ट के इस पे, बैकग्राउंड कलर कर दूंगा मैं इसका है DDD। देखो हो रहा है, अब ये स्मूथ इसलिए हो रहा है क्योंकि मैंने यहां पर बैकग्राउंड पे ट्रांजिशन ऐड किया है। कभी मैं इसे हटा दूं, देखो कितना फास्ट वर्क कर रहा है ना। तो प्लीज कमेंट में थैंक यू लिखना मत भूलना। सर आप बहुत अच्छे से समझाते हो, उससे मुझको थोड़ा सा मोटिवेशन आएगा और मैं और अच्छी वीडियो बनाऊंगा और अच्छे प्रोजेक्ट लाऊंगा मैं आपके लिए। अब देखो, अब हम टारगेट करेंगे टास्क इन्फो को। टास्क इन्फो मतलब जावास्क्रिप्ट में जाना है। ये हमारा जो टास्क इन्फो है, ये इसे यहां से कॉपी करके करना, ये तो आप मिस्टेक कर दोगे। यहां पर पेस्ट मारना है एंड डिस्प्ले करूंगा इसका मैं फ्लैक्स, फ्लैक्स डायरेक्शन कॉलम। देखो सारे फ्लैक्स डायरेक्शन कॉलम हो गए, एंड गैप कर देंगे इसके अंदर 5 पिक्सल का। अब हम टारगेट करेंगे हमारे टास्क एक्शन, यहां से कॉपी कर लेना है टास्क एक्शन को एंड डिस्प्ले फ्लैक्स, एंड गैप करेंगे हम इसके अंदर 10 पिक्सल का। हो गए, यहां पर देखो गैप आ रहा है आइकन्स के बीच। अब हम टारगेट करेंगे हमारे डिलीट आइकन को, तो यहां से हम डिलीट आइकन कॉपी कर लेंगे। डिलीट की स्पेलिंग गलत करिए, सही कर लेना, ये पेस्ट किया मैंने डिलीट। अब देखो बैकग्राउंड कलर करेंगे इसका, हम बैकग्राउंड करेंगे नन, क्योंकि वो बटन है इसलिए हमने इसको नन किया, एंड बॉर्डर भी करेंगे उसकी नन। जूम आउट कर लेता हूं, ठीक से समझ में आएगा आप सभी को। एंड कलर करेंगे उसको हम रेड, एंड कर्सर पॉइंटर, एंड फॉन्ट साइज 20 पिक्सल। अब हम टारगेट करेंगे हमारे टास्क लिस्ट के आइकन को। टास्क लिस्ट, टास्क LI के ये आइकन्स तो हम टारगेट करेंगे, साथ में टारगेट करेंगे। तो साथ में टारगेट करने के लिए हैश टास्क लिस्ट के LI के आई को कलर करेंगे हम इसका हैश, टैक्स शेडो ऐड कर लेते हैं, थोड़ा सा 3D लुक भी दे देते हैं, 1 पिक्सल हॉरिजॉन्टल एंड अनदर 1 पिक्सल वर्टिकली, 5 पिक्सल ब्लर रेडियस एंड ब्लैक। देखो कितना प्यारा कलर है, इसका भी कलर चेंज हो गया। देखो इसको थोड़ा सा नीचे करके देखो कितना प्यारा लुक मिला है, अच्छा लग रहा है आप सभी को। तो ये हमारा क्लियर हो गया है सारी चीजें, एंड इसको थोड़ा सा और डीम करते, हाँ अब क्लियर है। तो ये हो गई हमारी CSS, ये हो गई हमारी HTML। अब इसको हम बड़ी स्क्रीन पे देखते हैं। देखो यहां से हम डिलीट कर सकते हैं इसको, एंड यहां से ऐड कर सकते हैं, एंड यहां से टाइम भी ऐड कर सकते हैं, AM PM। तो थोड़ा सा सेपरेट करते हैं, सेपरेट करने के लिए 1 मिनट हाँ, इसको साइड बाय साइड रखते हैं। तो इनर HTML के अंदर 2 चीजें हैं ना, तो इसके अंदर हम ऐड करते हैं
फॉन्ट साइज भी, फॉन्ट साइज इतना ही रहने देते हैं बटन का। ट्वेंटी रैम एंड देन टास्क लिस्ट, जस्टिफाई कंटेंट करते हैं इसको स्पेस बिटवीन। अब क्लियर है, अब परफेक्ट हो गया है हमारा पूरा की पूरा। अब देखो, अब मैं यहां से डिलीट कर सकता हूं एंड मैं यहां पर राइट करूं जस्ट कीप डूइंग का मतलब क्या हुआ, जस्ट करते रहो, डूइंग मतलब सारे काम करते रहो, सोचो मत, जो अच्छे अच्छे सोचना बंद करो, इंप्लीमेंट करना चालू चालू करो। समझ में आ गए सभी को, कोडिंग करते रहो 2 घंटे करो। देखो मैं तो रोज करता हूँ क्योंकि मुझे इसमें बहुत मजा आता है। देखो जस्ट कीप डूइंग, टाइम भी डिसाइडेड है, वर्क भी डिसाइडेड है। आपको कभी इसमें इंटरेस्ट है तो करो, आपको जिसमें इंटरेस्ट चीज है वो चीज करना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप जबरदस्ती कर रहे हो। आपको जिस चीज में इंटरेस्ट है उसको लास्ट तक मेहनत करो। देखो मेहनत सक्सेस उसी को मिलती है जो लास्ट तक मेहनत करता है, एकदम टिके रहो। जैसे कि मैं भी टिका हुआ हूँ ना, अभी मुझे भी प्रोग्रामिंग छोड़नी रहती तो मैं छोड़ देता, पर मुझे मजा आता है प्रोग्रामिंग करने में, इसलिए मैं छोड़ नहीं रहा हूँ। तो आखिरी दम तक के करते रहो, जब तक आपको सक्सेस नहीं मिल जाती। प्रोजेक्ट बनाते रहो, ट्विटर लिंक्डइन किसी पे भी डालो, पाइपर भी ऐड करो, कोई ना कोई तो हायर कर ही लेगा। कोई भी फील्ड का, कोई भी फील्ड का प्रोग्रामिंग सीख सकता है, कोडिंग में सीख सकता है, सारी चीजें सीख सकता है। तो बस आपको करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है एंड आखिरी में आपको सक्सेस मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट प्रोजेक्ट में, और प्लीज कमेंट सेक्शन में लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और सॉरी कमेंट सेक्शन में बोल रहा हूँ, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें एंड उसके बाद में कमेंट सेक्शन में राइट करना मत भूलना। थैंक यू सर, बहुत बढ़िया वीडियो थी, हमें सारा समझ में आ गया ठीक से, और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना, और प्लीज लाइक कर दिया करो यार, और सब्सक्राइब भी। तो मिलते हैं इसी तरह नेक्स्ट प्रोजेक्ट में, स्टे कोडिंग एंड स्टे हैप्पी।